हर बार आता है इस प्रकार का कि विपक्ष कहता है कि हम घेर देंगे, लेकिन अभी तक घेरे तो कहीं है नहीं, क्योंकि सरकार ने इस प्रकार का कोई काम ही नहीं किया जिसमें घेरा जाए। और इसीलिए सरकार ने जहां पहले दो सेशन बुलाए जाते थे साल में, और दूसरा सेशन भी नाम मात्र का ही बुलाया जाता था, तो वही सरकार ने तीन सेशन शुरू कर दिए। तो स्पष्ट है कि सरकार जो है वो एकदम पारदर्शी सरकार है, इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया कि दो की बजाय तीन बुलाएंगे। हालांकि पहले तो दो भी मुश्किल से बुलाते थे, दूसरा भी केवल फॉर्मेलिटी पूरी करते थे, तो अब तीन सेशन हम साल में बुलाते हैं, और इसलिए बुलाते हैं सरकार पारदर्शी। कहीं भी जब हम इतने काम करते हैं तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि सभी लोग दूध के धोए हैं, उनमें से कुछ लोग गड़बड़ कर जाते हैं। महत्वपूर्ण ये बात है कि जो सरकार है उसका व्यवहार क्या है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं उनको बचाने का प्रयास कर रही या सजा देने का काम कर रही। तो अगर कोई भी चीज हमारे सामने, चाहे पेपर लीक होने वाली बात हमारे सामने ही, हमने उसकी मजबूती के साथ जांच की, जहां भी उसके दोषी थे हमने उनको अरेस्ट किया, आज वो जेल में है, और तुरंत में एक सख्त कानून ले गया है। अगर अब इसके बाद कोई पेपर आउट करेगा या इस प्रकार का कोई पेपर लीकेज करने की बात करेगा तो उसको 10 साल की सजा भी है, और जो खर्च उस पर होगा वो भी उससे ही वसूल किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये शायद पहला ऐसा स्टेट है जिसने इतना सख्त कानून उस पर बनाया है। और जहां तक अभी HPSC की बात करें कि कर्मचारी है उसने इस प्रकार की गड़बड़ की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। उसको जो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत आगे यहाँ पर मिलने का आयोजन किया गया है, और आज जगाधरी ब्लॉक से ऐसे लोग जिनकी आमदन 1 लाख से कम है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया, और ऐसे 1210 लोगों को यहाँ पर बुलाया गया। आज जो है 605 लोग आज बुलाए गए और 605 लोग कल के लिए बुलाए, और उसमें सभी विभागों के तरफ से यहाँ पे काउंटर लगाए गए हैं। हम उनको कहाँ रोजगार दे सकते हैं, कहाँ इस प्रकार का रोजगार है, यानी कि हमारा टारगेट जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिन लोगों की आमदन 1,80,000 से कम है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनकी आमदन को उन्हें बढ़ा के 1,80,000 से ऊपर करना है। तो उसके लिए आज ये आज का कार्यक्रम रखा गया, आज और कल का कार्यक्रम है, और उसमें चिन्हित कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अपना रोजगार करना चाहता है, स्वरोजगार करना चाहता है, तो यहीं पर एक टीम बैठी है, वो उसी मतलब जो भी वो रोजगार करना चाहता है उसके लिए उसका फार्म भरने के बाद और उसके साथ ही बैंक से उसको लोन देने का काम भी तुरंत किया जा रहा है। और उसकी वैसे तो 10 लाख से कम जो है उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा की भी जरूरत है तो सरकार ने इस बात की घोषणा की कि वो गारंटी सरकार देगी, उसको किसी और से गारंटी नहीं देनी पड़ेगी, तो सरकार ही उसकी गारंटी देगी। इस प्रकार से सभी के पास अपना रोजगार, और हरियाणा के जितने लोग हैं उनकी आमदन 1,80,000 से आगे बढ़नी चाहिए, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।